चेंगे हीरो बन कर जय जय शिव शंकर सर आपका शुभ नाम? हमारा पहलवान जी का जी। और आप कहाँ से हैं? हजारीबाग से, डेली मार्केट जी। तो आप दर्शकों को बतलाइएगा कि आपके डेली रूटीन क्या है और आपका डाइट प्लान क्या है और आपका दिनचर्या दिन भर कैसा रहता है? अच्छा, जैसे मतलब सुबह उठते हैं 4 बजे हम जी, 4 बजे उठ के 10 लीटर पानी पीते हैं जी, ठीक है। उसके बाद जो है नहाते धोते हैं, एकदम झील आते हैं और झील से गल के बाद 12 बजे नाश्ता करते हैं जी, 1 घंटा आराम करते हैं। उसके बाद 3 बजे फिर आते हैं दुकान जी, 3 से 8 तक जो है जी हम जो है दुकान में रहते हैं जी। उसके बाद जाते हैं 9 बजे फिर खाना खाते हैं जी, 10 बजते तक फिर सो जाते हैं जी। बस तो बतलाएगा आपका अभी एज क्या है और एज का रहस्य क्या है? जैसे एज मेरा लड़की नानी बन गया है 4-5 साल पहले जी, और उम्र 72 साल हो रहा है जी। 72 साल हो रहा है, चलिए। और सर इसका राज क्या होगा, क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना राज ये है कि देखिए जो 4 बजे नहीं उठेगा वो धरती से जल्दी उठ जाएगा सबसे पहले जी जी। और जो पानी नहीं पिए कम पिएगा, जैसे पेड़ पौधा कैसे हरिया जाता है जी जी, तो पानी पीजिएगा, खाना कम खाइए, इससे कोई मतलब नहीं। पानी ज्यादा पीना जी, पानी पिए से क्या करता है कि अंदर गंदगी साफ होता है, और गंदगी साफ होगा तो फिर हरियाली आएगा शरीर में जी जी। तो जैसा आपका उम्र है, अभी के उम्र में देखा जाए बहुत लोगों का बाल झड़ गया है, लेकिन आपका पूरा बाल हरा भरा है एकदम, जैसे हम देख दिखलाना चाहते हैं पूरा बाल आपका हरा भरा है। तो इसका क्या राज है, मतलब ये इसका मेन कारण क्या है कि अभी तक मेंटेन कर पाए? मेंटेन ही किए कि मेरा पानी बहुत ज्यादा पीते हैं जी। पानी जो है मेन जड़ है पानी जी, अंदर मशीन साफ है जी, सब चीज साफ है जी, और गंदगी भर लेगा तो बीमारी तुम्हारी सब धर लेगा जी जी। मेन जो है पानी जी। तो मेन हम लोग को मतलब बॉडी का कौन सा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है? पानी, पानी जी। देखिए एक टाइम खाता है जो भी जी, जो साधु लोग रहता है एक टाइम जी, 2 टाइम खाता है भोगी जी, अगर धरती पर ज्यादा दिन भोगना है तो 2 टाइम जी, 3 टाइम खाता है रोगी जी, रोग धराना 3-4 टाइम कचरा भरते रहे जी जी। फिर वही होगा कि राम राम जपा, 3 बार गधा नियर खट्टा जी जी, रात के सरल खटिया में सट्टा जी, बेटा पुत्र करा जाएगा जी, सरल बुढ़ा बुढ़ी बाहरे हट्टा जी। मतलब मेन हमारा लीवर सिस्टम है वो स्ट्रांग, मशीन ठीक है तो सब चीज ठीक है जी जी, तो गाड़ी रुक जाएगा मेरा जी। तो जैसे मान लिया जाए, जैसे हम लोग आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं, तो आयुर्वेदा में लीवर को साफ करने के लिए कौन सा जूस जरूरी है? जैसे एलोवेरा का बात किया जाता है तो जूस कुछ भी पीजिए जी, सबसे पहले पानी पीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पानी मेन जड़ है जी। आप कुछ मतलब एक तरह से साफ कर लिया, आप फिर खाई बकरे तो गंदगी भर ले, गंदगी भरेगा जी। मेन साफ करने के लिए जैसे मतलब पानी जी, पानी अधिक पीजिए, पानी सबसे ज्यादा, अंदर में कमजोरी नहीं होगा जी। चलिए सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं ये संदेश चाहता हूँ कि हमारे जो, और ये भी आप बताइए सर कि जो आज के जो यंग जनरेशन के जो लोग हैं उसके जो डेली लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो क्या डेली रूटीन अपनाएं कि उनका शरीर आपके जैसा बने? हाँ, बने इसलिए कि सुबह जब तक नहीं उठेगा जो जैसे 4 बजे सवेरे नहीं उठेगा जी, वो धरती से जल्दी उठ जाएगा जी जी। ताकि वो लेटरिंग जो है 4 घंटा बाद करेगा जी, तो सड़ता है अंदर जी, तो सड़ेगा तो गैस बनाएगा जी, और गैस बनाएगा तो शरीर में घुसेगा जी, शरीर में घुसते घुसते माथा पर चढ़ जाएगा, दिन वो दिन कहानी खाते हैं। मेन तो है खाते हैं जो साफ करना जी। तो पहलवान जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो संदेश है पूरे भारत देश में हर एक नौजवान अपनाएं, और साथ ही साथ हमारे भारत देश के जो युवा वर्ग हैं और बुजुर्ग इंसान हैं और आपके संदेश को अपनाते हुए अपने जीवन को बहुत ही सुखी बना सकें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सब्सक्राइब करें।
करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं।